सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। जेल में मसाज करा रहे केजरीवाल की मंत्री सत्येंद्र जैन, भाजपा ने वीडियो जारी कर तिहाड़ में वीआईपी ट्रीटमेंट का दावा किया। कांग्रेस को घेर रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश को सिर्फ तोड़ सकता है। केरल में युवा मॉडल के साथ रेप का मामला, पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्रालय के ड्राइवर पर जासूसी का आरोप, पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुजरात चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस की एंट्री, असम सीएम हेमंत बिस्वा बोले हर शहर में पैदा होगा आफताब। सावरकर पर बयान को लेकर देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर निशाना, बोले क्या महात्मा गांधी का पत्र आपने पढ़ा। तुषार गांधी ने दिया राहुल का साथ, बोले सावरकर ने मांगी थी अंग्रेजों से माफी, इतिहास में है सबूत। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की चपेट में आए 3 जवान शहीद, 2 को बर्फ से सुरक्षित निकाला गया, माचिल सेक्टर में हुआ हादसा। बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सवा अहमद का दिल्ली में निधन, लालू प्रसाद की सरकार में रहे थे मंत्री। बिहार के बांका में मिली 2600 वर्ष पुरानी सभ्यता का चढ़ी लापरवाही की चादर, बौद्ध सर्किट से चल रही थी जोड़ने की बात। केसीआर की बेटी ने बीजेपी सांसद को दी धमकी, बोली भी चौराहे पर चप्पल से मारूंगी, भाजपा नेता ने थाने में की शिकायत। सफाई चाहिए तो केजरीवाल को वोट दो, आपने एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए शुरू किया कूड़ा वाहन। टीआरएस विधायकों की खरीद परोक्त मामले में बीजेपी नेता को समन, एसआईटी ने बीएल संतोष को 21 नवंबर को थाने बुलाया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू, 29 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिन में 17 बैठकें होंगी। सावरकर पर राहुल का बयान तोड़ सकता है कांग्रेस, शिवसेना गठबंधन, उद्धव गुट के नेता बोले नेतृत्व फैसला लेगा। सात दिन वेस्ट यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, गाजियाबाद में 3 दिन में 2 बार आएंगे, नोएडा से सहारनपुर तक के कार्यक्रम तय। कानपुर में डेंगू का कहर जारी, 65 नए मरीज मिले, वायरल फीवर ने बदला स्वरूप, मरीजों की मांसपेशियां फटने के मामले आ रहे सामने। झांसी एसएसपी ऑफिस में सिपाही को पीटने का मामला, पत्नी सास समेत 6 के खिलाफ मुकदमा, पीछे वाले रास्ते से भागकर खुद को बचाया। नगर निकाय चुनाव के चलते 500 अपराधी होंगे जिला बदर, चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए होगी जिला बदर की कार्रवाई।
कौशाम्बी के सरकारी स्कूल में ट्रैफिक की पाठशाला, पुलिसकर्मियों ने चार्ट के जरिए समझाए ट्रैफिक नियम। दरोगा सुसाइड कांड में महिला कांस्टेबल पर एफआईआर, दरोगा पर पत्नी को तलाक देने और शादी का बना रही थी दबाव। अमेठी में 2 लाख रुपए का थैला लेकर नाबालिग फरार, बैंक से घर लौट रहा था बुजुर्ग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। रिटायर्ड तहसीलदार की पत्नी का खोया सामान पुलिस ने दिलाया, पुलिस ने सर्विलांस से लगाया पता, राजस्थान से आई थी महिला। गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस से बचकर भागे तो फिसली बुलेट, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। सीतापुर में महिला की 10 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं, 6 टीमें स्केच के जरिए पहचान कराने में जुटी, बोरे में भरी मिली थी लाश। गुंडई करने वाले टीटी का नहीं लगा सुराग, बरेली में फौजी को दिया था ट्रेन से धक्का, पैर कटने के बाद अब फौजी के बयान दर्ज करेगी जीआरपी। गाजियाबाद में एनकाउंटर में 2 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, एक बदमाश को पैर में लगी गोली, पहले भी तिहाड़ जेल में रह चुका है बंद। संभल में हुआ सड़क हादसा, 2 की मौत, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार पेंटरो को रौंदा, हिरासत में चालक और रोडवेज बस। मिर्जापुर में युवक को मृत दर्शाकर धोखाधड़ी, भाइयों ने सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम, एसडीएम की जांच के बाद एफआईआर। उन्नाव में पालिका ने 3 वार्डो में कराई फॉगिंग, क्षेत्र में मच्छरों की भरमार से लोगों का जीना मुहाल, अभियान चलाकर एंटी लार्वा का छिड़काव। हाथरस में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, मिट्टी के चूल्हे से निकली चिंगारी से हादसा। रायबरेली में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, क्लॉथ हाउस में करोड़ों के ब्रांडेड कपड़े जलकर हुए राख, फायर ब्रिगेड कर रहे प्रयास। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर सील, पखडंडी रास्तों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर, 21 नवंबर से शुरू होगी आवाजाही। गोंडा में एसपी ने थाना धानेपुर का किया औचक निरीक्षण, आईजीआरएस कक्ष व महिला हेल्प डेस्क की जांच की। अम्बेडकर नगर में बजट ना मिलने से मनरेगा का काम प्रभावित, 4,17,00,000 का बकाया भुगतान ना होने से बढ़ी दिक्कतें। श्रावस्ती में एसएसबी ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, प्रदर्शनी लगाकर छात्रों को हथियारों के बारे में दी जानकारी। शाहजहांपुर में स्कूल में लगी आग, जिस विद्यालय में लगी थी आग उस विद्यालय में कराया गया था हवन पूजन। चंदौली में हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा, डंपर और कार की टक्कर, 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अमरोहा में नाले में पड़ा मिला युवक का शव, शराब के नशे में नाले में गिरने से मौत की आशंका, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा शव। बिजनौर में भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई।
श्रद्धा मर्डर केस पर बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, बोले अगर यही कृत्य कोई हिंदू करता तो अब तक देश में दंगे हो जाते। कोंडा में मौलवी की महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मौलवी की लोगों ने जमकर की पिटाई, मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में प्रशासन ने की खदानों पर बड़ी कार्रवाई, डीएम और एसपी ने मोरंग खदानों का किया औचक निरीक्षण, 18 मशीनों को सीज किया। राजधानी लखनऊ में फिर से बढ़े डेंगू के मामले, बीते 24 घंटे में 48 नए केस आए सामने, पूरे प्रदेश में 14,000 से ज्यादा केस। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुआ, जिला अस्पताल रेफर। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल के पास कैल नदी में डूबने से 4 किशोरों की हुई मौत, कल दोपहर से थे लापता। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बढ़ रहे महिलाओं और बालिकाओं के लापता होने के मामले, 6 मई में 35 गुमशुदा, पुलिस ने इतने को ढूंढा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज होंगे बंद, मंदिर को सजाया गया फूलों से, रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव का मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन, करोड़ों की योजनाओं का दिया तोहफा। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले किसान विरोधी है उत्तराखंड सरकार, खानपुर विधायक से की मुलाकात। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरा यात्रियों से भरा वाहन। उत्तराखंड में सहकारी समिति पर छापा, 20 करोड़ के कारोबार पर कर चोरी पकड़ी, गिरफ्तारी से बचने को समिति का अध्यक्ष फरार। उत्तराखंड में विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम के बाद मारपीट, महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर जताया रोष, 2 गिरफ्तार। उत्तराखंड के कोटद्वार में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर टहल रहे जज को मारी टक्कर, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, फिर दवा खिलाकर कराया गर्भपात। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बच्चों का विकास ठप, 11 विकास खंडों में से 10 में से नहीं है बाल विकास परियोजना अधिकारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेंगू हुआ और खतरनाक, 14 नए मरीज मिले, अब तक हो चुके हैं कई संक्रमित। उत्तराखंड के काठगोदाम हेडा खान मार्ग 5 दिन से बंद, खतरे में 200 गांवों के लोग। उत्तराखंड के रामनगर में फरवरी तक नहीं बने 2 ब्रिज, तो नपेगा ठेकेदार, कमिश्नर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी राज्यों में लगेंगे सेंसर, ऑटोमेटेड अपडेट होगा भूकंप ऐप का नया वर्जन। रनवे पर प्लेन और ट्रक की टक्कर, ट्रक को रौंदता चला गया, विंग में आग लगी, लेकिन बाल बाल बचे 108 लोग।
इसराइल ने फिलिस्तीन सीमा पर तैनात की रोबोटिक गन एआई टेक्नोलॉजी से अपने आप साधेगी निशाना, आतंक रोकने के लिए किया फैसला। फ्रांस ने उठाया सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का मामला, कहा शक्तिशाली दुनिया में संतुलन जरूरी। लंदन को 6 मिनट में तबाह कर सकता है नया रूसी ब्रह्मास्त्र, पुतिन के सतान 2 टेस्ट से दुनिया में खलबली। तानाशाह किम जोंग ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी, अमेरिका और उनके मित्र देशों को दी चेतावनी। चीनी युवाओं की उइगर मुस्लिम लड़कियों से जबरन शादी, विरोध करने पर पेरेंट्स को जेल, विवाह के लिए दिए जा रहे रुपए। बाइडेन की फिटनेस पर फिर सवाल, G20 में स्टाफ ने लिख कर दिया कहा बैठना और कब बोलना है, ट्रंप US प्रेसिडेंट को भी मार कहते। नॉर्थ कोरिया ने दागी US तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, जापान की समुद्री सीमा में गिरी, कमला हैरिस भड़की। जमाल खशोगी हत्याकांड पर बाइडेन की सबसे बड़ी पलटी, रिश्तों में खटास, फिर भी मोहम्मद बिन सलमान को बचा रहा अमेरिका। पहली बार दुनिया के सामने आई किम जोंग उन की बेटी तानाशाह, पिता के साथ देखा उत्तर कोरियाई मिसाइल लॉन्च। ट्विटर पर हो सकती है ट्रंप की वापसी, एलन मस्क ने पोल कर लोगों से पूछा क्या पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए। एयर इंडिया में मर्ज हो सकता है विस्तारा ब्रांड, टाटा ग्रुप ने 4 एयरलाइंस एक साथ मिलने के संकेत दिए। भारत में सबसे बड़ा कैंपस बनाएगी अमेरिकन बोइंग, बेंगलुरु में रैंड डी पर 1600 करोड़ निवेश करेगी एयरक्राफ्ट कंपनी। दिल्ली NCR में जियो 5G लॉन्च, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी शुरू हुई सर्विस। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सरकार ने पेश किया बिल का ड्राफ्ट, अब सुरक्षित रहेगी आपकी पर्सनल डिटेल्स। ट्विटर से सैकड़ों कर्मचारियों का इस्तीफा, तानाशाह कहलाने पर मस्क बोले फिक्र नहीं, जो बेस्ट है वो नहीं गए। जोमैटो के सह संस्थापक मोहित गुप्ता ने दिया इस्तीफा, बोले मैं वर्षों से खड़ी की गई हर चीज को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। तुर्की के सेफ ने साझा किया 1.36 करोड़ रुपए का रेस्तरां बिल, लोग भड़के बोले ये तो पागलपन है। बैंक घोटालों में RBI अधिकारियों की भूमिका मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, CBI ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मारुति अल्टो K10 CNG लॉन्च, मिलेगा 33.85 किलोमीटर का माइलेज। रोहित से छिन सकती है T20 की कप्तानी, हार्दिक बन सकते हैं कैप्टन, रोहित वनडे और टेस्ट में टीम इंडिया को लीड करते रहेंगे। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर सिमोन को खुद ही साफ करनी पड़ी कमेंट्री बॉक्स की सीटें, फोटो शेयर कर निकाला गुस्सा।
शिखर धवन ने बेटे के साथ शेयर किया इमोशनल वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अलेजांद्रो को स्पेन की टीम में किया गया शामिल, चोट की वजह से बाहर हुए जोस लुइस गए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। फिसड्डी फुटबॉल टीम को भी आईपीएल चैंपियन से ज्यादा पैसा, फीफा विजेता को 359 करोड़, हर टीम को कम से कम 72 करोड़ की गारंटी। बीसीसीआई ने सीनियर सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त की, चेतन शर्मा समेत सभी सेलेक्टर्स हटाए। मनिका एशियाई टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय। अगरकर नए चीफ सेलेक्टर के लिए बीसीसीआई की पहली पसंद, दिल्ली फ्रेंचाइजी के असिस्टेंट कोच से करना होगा रिजाइन। कतर पर फिक्सिंग का आरोप, 60 करोड़ घूस दी, खेल से पहले खेल टीम के 8 खिलाड़ियों को मैच हारने के लिए कतर ने रिश्वत दी। शहनाज गिल ने गुरु रंधावा के साथ किया डांस, ब्लश करती दिखी पंजाब की कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ हुई पेपराजी से परेशान, गुस्से में कार से उतरकर बोली अपना कैमरा नीचे रखो। बेटी की सगाई पर आमिर खान ने किया जमकर डांस, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा पर कजिन मंसूर के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस। बेटे के साथ डांस करते दिखे गोविंदा, इंडियन आइडल के मंच पर पहली बार बेटे यशवर्धन के साथ थिरके। सौ करोड़ के घर में शिफ्ट होंगे ऋतिक और सबा, मुंबई में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, 38,000 वर्ग फीट में फैला है एरिया। बॉक्स ऑफिस पर कांतारा के 50 दिन पूरे, फिल्म की कमाई 400 करोड़ के करीब, मेकर्स ने ऑडियंस का जताया आभार। खुद की फिल्म भी नहीं देखते सुरेंद्र राजन, ना शादी की और ना ही घर खरीदा, ज्यादा कमाई हो तो लोगों में बांट देते हैं पैसे। रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, शो मूविंग विद मलाइका को प्रमोट करने पहुंची, ब्लैक एंड व्हाइट लुक में दिखी क्लासी। डैशिंग लुक में नजर आए अर्जुन कपूर, मुंबई एयरपोर्ट पर हंसिका मोटवानी, जानवी कपूर, संजय दत्त और महिमा चौधरी हुए स्पॉट। आमिर खान की बेटी आयरा ने की सगाई, फंक्शन में आमिर की फैमिली के साथ दिखी दोनों पत्नियां, फातिमा सना शेख भी आई नजर। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ